प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि, ड्रेस, किताबों के अनियंत्रित शुल्क को लेकर एबीवीपी ने किया प्रदर्शन। शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला इकाई श्योपुर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने डीईओ कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी करते हुए डीईओ कार्यालय का घेराव किया, जहां डीईओ कार्यालय पर एक घंटे चले प्रदर्शन में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और प्राइवेट स्कूलों की हर वर्ष हो रही फीस वृद्धि, ड्रेस, किताबों के अनियंत्रित शुल्क को लेकर प्रदर्शन के बाद 5 सूत्रीय ज्ञापन जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा। इस दौरान परिषद के आशुतोष मित्तल, पंकज तिवारी, जतिन यादव, गोपाल प्रजापति आदि कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की खास रिपोर्ट। एबीवीपी ने ज्ञापन दिया है, किस मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद श्योपुर द्वारा पूरे जिले व्यापी प्राइवेट स्कूलों द्वारा जो मनमानी फीस वसूली जाती है और जो उनके ड्रेस कोड हैं और आरटीओ के नियम के विरुद्ध वो कई ऐसे बस वगैरह चलाते हैं, तो वाहन संबंधित ऐसे ज्ञापन हमने दिया है जिसमें उनकी शिक्षा के क्षेत्र में जो किताबें हैं उनको लेकर वो कालाबाजारी करते हैं। दिन प्रतिदिन हर साल दर साल वो प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें बदलवा देते हैं, जिसके कारण आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उसको वो बोझ आता है आर्थिक रूप से। तो इसके लिए हमने एक ज्ञापन दिया है ताकि वो प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें हैं उनको कम से कम 3 साल की अवधि उनके लिए तय की जाए, ताकि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उस पर ऐसा बोझ ना आए। और दूसरा जो हमारा है ड्रेस कोड, कई विद्यालय अपने खुद के रखते हैं और वो ऊंचे दामों पर उनको बेचते हैं, तो ये भी एक विषय है जिसको लेके विद्यार्थी परिषद ने एक ज्ञापन दिया है। विद्यार्थी परिषद द्वारा काफ़ी लंबे समय से इस मामले को लेकर के प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षा विभाग को ज्ञापन देते आ रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि अभी तक इस पर शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्या लगता है आपको? जी, पिछले साल भी ये कहीं ना कहीं देखने को ये तो यही मिल रहा है कि पिछले साल भी हमने ये ज्ञापन दिया था तो जिस पर कुछ हद तक तो कार्रवाई की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो देखने में मिल रहा है तो ये प्रशासन की बदहाली है जिसके कारण ये कार्रवाई हमें ये ज्ञापन हमें फिर देने का एक ज़रूरत पड़ रही है, अन्यथा की स्थिति में हमें ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर ये उन पर उचित कार्रवाई हो गई होती। तो कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी सी ये बदहाली देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी जिला शिक्षा अधिकारी ने जो है हमें आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे, उसके लिए जाँच कमेटी वो गठित कर रहे हैं। जैसे आपने ज्ञापन दिया और अब अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या आगामी आपकी रूपरेखा रहेगी? आगामी विद्यार्थी परिषद अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो विद्यार्थी परिषद जो है चरणबद्ध आंदोलन करेगा और जिले भर में इसके आंदोलन होंगे और जिला शिक्षा जो विभाग है उसको ये समझ में आना चाहिए कि विद्यार्थी परिषद ने जो मांगे उठाई हैं वो उचित मांगे हैं और इन पर कार्रवाई करना जरूरी है।